हम लोग गीता का छठा अध्याय ले रहे हैं, उसका 9वां श्लोक है। भगवान इसमें कह रहे हैं, सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले में और पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। अब भगवान कह रहे हैं कि जिसकी सब में समबुद्धि होती है, वस्तुओं में तो हमारी फिर भी समबुद्धि हो जाती है, पर मनुष्य जो होता है वो उसके हमें कर्म और स्वभाव देखते हैं, तो कर्म और स्वभाव देखने के कारण हमारी उसमें समबुद्धि नहीं हो पाती है। तो भगवान कह रहे हैं कोई कैसे भी चले तो तुम्हारी दृष्टि तुम्हारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हे भगवान, अम्मा जी ने हमें यही पक्का कराया, हे भगवान। तो जब हमारी तत्व दृष्टि होती है, भगवत दृष्टि होती है, तो हम कर्म और स्वभाव नहीं देखते। तो भगवान गीता में यही कह रहे हैं कि अगर तुम हर समय लोगों के कर्म देखते रहोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम अधोगति में गिरोगे, और लोगों के पाप आचरण देखोगे, खराब कर्म देखोगे तो तुम्हारा ही डाउनफॉल होता जाएगा। और तुम तत्व दृष्टि बनाओगे, भगवत दृष्टि बनाओगे, अच्छा भाव रखोगे, हाई वाइब्रेशन में रहोगे, पॉजिटिव थॉट रखोगे, पॉजिटिव भाव रखोगे, सबकी दुआएं कमाओगे, सबको दुआएं दोगे, सबको ब्लेस करोगे, हाँ जैसे गुरुजी बताते हैं सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसा भाव रखोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी। और सबके कर्म स्वभाव देखोगे, कुछ कुछ नेगेटिव बोलते रहोगे, नेगेटिव देखते रहोगे तो तुम्हारी अवनति होती रहेगी। तो हर व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है, हम ही उन्नति चाहते, हमें मनुष्य चोला मिला ही उन्नति करने के लिए। अब भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, भगवान कह रहे हैं सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष। तो इनकी इस व्याख्या समझते हैं। सुहृद जो सबका हित चाहने वाला हो, वह करने वाला है हो, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृद कौन होता है, जो सबका हित चाहता है और करता है, उसको सुहृद कहते हैं। तो हमारे सुहृद कौन है, गुरुजन हमारे गुरु सबसे बड़े हमारे सुहृद हैं, फिर भगवान हमारे सबसे बड़े सुहृद हैं, गुरु भी हमारा संबंध भगवान से कराते हैं, फिर हमारे माता पिता। तो माता पिता, गुरुजन, भक्त, संत, ये सब हमारे सुहृद हैं, ये हमारा हित चाहते हैं और हित चाहते भी हैं और करते भी हैं। संसार में लोग हित भले ही चाहें पर करते नहीं हैं। हमें कोई गिफ्ट दे देगा, कोई चीज़ दे देगा, कोई सूट दे देगा, पर हमें राग द्वेष से नहीं छुड़ा सकता, हमें हमारी वाइब्रेशन तो हाई नहीं कर सकता, हमें पॉजिटिविटी में तो नहीं ला सकता, हमारा संबंध भगवान से तो नहीं करा सकता, वो केवल गुरुजन ही कराते हैं। माता पिता भी प्रेम करते हैं, हमारे शरीर को खिलाते पिलाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पर वो भी हमारे जन्म मरण का चक्कर नहीं काट सकते, वो भी केवल मोह ही कर सकते हैं, पर उनका भी बहुत शुक्राना है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया हमें, संस्कार दिए, पर असली जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है वो गुरु ही कराते हैं। तो सारे शुक्राने हमारे अम्मा जी, गीता भगवान, दाता भगवान आज गुरु के हैं, वो हमारे असली सुहृद हैं। फिर मित्र, जो उपकार के बदले उपकार करे उसे मित्र कहते हैं। अगर हमने उसको एक गिफ्ट दी, उसने हमें गिफ्ट दे दी, तो वो मित्र हुआ। हमने उसके लिए कुछ अच्छा किया, उसने हमारे लिए अच्छा कर दिया। जैसे हम किसी के यहाँ शादी में गए तो उनके यहाँ हमने 5,5100 का लिफाफा दिया, तो जब हमारे यहाँ शादी होगी तो 5,100 का लिफाफा आ जाएगा, लिख लेते हैं वो लोग, उनके यहाँ से इतने आए, उनके यहाँ से इतने आए, जब देने का मौका होता है तो वो उतने ही दे देते हैं। तो मित्र किसे कहते हैं, जो उपकार के बदले उपकार करे। वैरी कौन होता है, जो स्वार्थ और अन्य कारण वश दूसरों का अहित अपकार करने वाला हो, वह द्वेष और वैरी होता है। जो बिना बात के हम हमसे द्वेष करे,
हमारा उपकार करे, हमसे वैर माने, चिड़े कुड़े। जैसे लुईस ए कहती है, एंगर, रिजेंटमेंट, हेट्रेड एंड जेलेसी, दीज फोर नेगेटिव इमोशंस लीड टू आर डाउनफॉल। ये चार नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमेशा हमारा बुरा ही करते हैं। ये सब क्या है? ये सब द्वेष है। तो भगवान कह रहे हैं, जो स्वार्थ और अन्य कारणवश दूसरों का हित करता है, स्वार्थ के कारण। स्वार्थ क्या हो सकता है भाई? ये मुझसे आगे क्यों निकल गया? जैसे कोई बैंक में काम करता है तो लोग क्या करेंगे कि जो थोड़ा भी आगे निकलेगा तो उसको नीचा करेंगे, उसकी टांग खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया। तो संसार में जहाँ भी जो कोई है वो वहाँ पे खुश नहीं है, उनके अंदर एक चिड़न है, कुड़न है, हैप्पीनेस नहीं है, ब्लेस नहीं करते। कितने लोग हैं उनके पास नौकरी नहीं है आज, हमें तो नौकरी मिली हुई है। जहाँ पर भी हम हैं उस जगह को हमें ब्लेस करना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए कि आज हमें भगवान ने कितने अच्छे से रखा है, कितनी कृपा है भगवान की। ऐसे हम यहाँ मोहन निवास पर रहते हैं तो बहुत शुक्राने निकलते हैं, हमें गुरु मिले हैं, भगवान ने हमें हमारा गुरु ने हमारा संबंध भगवान से कराया, बार बार गुरु पक्का करा रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। और संसार में कितने लोग हैं, दूसरे की बात करना, द्वेष करना, चिढ़ना, कुड़ना। जैसे एक आदमी ने बहुत सारे केकड़े गड्ढे में छोड़ दिए और उसने कहा ये तो सब निकल के भाग जाएंगे, बोले एक भी नहीं भागेगा। बोला क्यों? बोले दूसरा उसकी टांग खींच लेगा, कोई ऊपर चढ़ेगा। तो संसार में क्या है, कोई नहीं चाहता कोई तरक्की करे, पर एक भगवान की जगह ऐसी है कि हर कोई उसे प्राप्त कर सकता है। क्यों? मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही है परमात्मा को प्राप्त करना, उसे हम सब कर सकते हैं, वहाँ कोई कंपटीशन नहीं है। एवरीबडी हैज प्लेस देयर, सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, तो वहाँ कोई द्वेष ही नहीं है। द्वेष क्या है कि भाई अपकार करना, दूसरे को नीचे खींचना, दूसरे से चिढ़ना, कुड़ना, उसकी बुराई भलाई करना, उसके लिए कुछ कुछ कहना, उसको नीचा दिखाना, उसकी गॉसिप करना। जैसे किसी ने बताया कि हमारी जो देवरानी है उन्होंने दूसरे दूसरे की खूब गॉसिप करी, तो फिर उसने बता दिया कि तुम्हारे बारे में वो ये कह रही थी, उसने बता दिया तुम्हारे बारे में वो ये कह रही थी, सब आपस में बात फैल गई, इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, तो सब ने दोस्ती कट कर दी। तो क्या करें? हमारे दादा भगवान ने कहा कि अदर इज हेल, दूसरा देखना नरक है, दूसरा देखो ही मत, दूसरा देखोगे तो राग द्वेष होगा, तो दूसरा देखोगे तो सब बातें आएंगी मन में, दूसरा देखो ही मत। तो जो अपकार करता है किसी का वो द्वेष है और वैरी है। फिर उदासीन, जो दो लोगों को आपस में वाद विवाद करते देख तटस्थ रहता है उदासीन होता है। जो दो लोग वाद विवाद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, मानिए पति पत्नी कर आपस में बातचीत कर रहे हैं, अब सास बीच में बोलने लगे, ससुर बीच में बोलने लगे, तो भाई ठीक है उनका अपना संबंध है, उनको करने दो। हर एक की फादर और सन बात कर रहे हैं तो बीच में माँ जरूर बोलेगी, तो हर एक की अपनी एक रिलेशनशिप है। तो गुरु किसी से कुछ भी कह रहे हैं तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है, बाप और बेटा बात कर रहे हैं तो माँ को बोलने का अधिकार नहीं है, पति पत्नी बोल रहे हैं तो और लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। तो हर एक को अधिकार नहीं है, मतलब उनको बात करने दो ना। तो जो किसी भी बातचीत में घुसता नहीं है, तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसको उदासीन कहते हैं। कभी आपने मोदी जी को देखा हो, कितने भी शोर मच रहा हो, कितने भी कुछ होता है, वो चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं, तटस्थ हैं। उनके चेहरे पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उनके शरीर में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वो तटस्थ बैठे रहते हैं। तो दो लोग अगर आपस में लड़ रहे हों, बात कर रहे हों,
कुछ भी उनका वार्तालाप चल रहा हो, तो हम बिल्कुल न्यूट्रल रहें, हम न इसका पक्ष लें न उसका पक्ष लें, उसे तटस्थ कहते हैं। मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन है? अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही हो तो दोनों का हित हो जाए ऐसे चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही हो तो उनमें दोस्ती हो जाए, उनमें सुलह हो जाए ऐसी चेष्टा करने वाला मध्यस्थ कहलाता है। जैसे मानिए दो साधक साधक हैं, उनमें आपस में लड़ाई झगड़ी हो जाए तो गुरु कहते हैं अरे चलो तुम उससे सॉरी कहो, तुम उससे सॉरी कहो और तुम्हारे दोनों आपस में बातचीत करो, तुम लोग सेवा के लिए आए हो, सेवा पर दृष्टि रखो। या पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो माँ जो है सलाह करा देती है अरे छोड़ो तुम आपस में बात करो। कुछ भी ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं घरों में, बातें होती हैं। मध्यस्थ मतलब जो सबकी आपस में सलाह करा दे। अब भगवान कह रहे हैं कि जहाँ विषम बुद्धि अधिक रहने की संभावना है वहाँ भी संबुद्धि होना विशेष है। वहाँ संबुद्धि हो जाए तो सब जगह संबुद्धि हो सकती है। जैसे हमें कहीं ऐसा लगता है कि भाई यहाँ तो मैं बिल्कुल भी संबुद्धि नहीं रख सकता या भगवत दृष्टि नहीं बना सकता, और सब जगह तो मेरा भगवत भाव बन जाता है पर इस व्यक्ति में भगवत भाव नहीं बना सकता। तो भगवान कह रहे हैं जहाँ पे तुम्हें सबसे मुश्किल लगता हो भगवत भाव बनाना, वहाँ पर भी अगर तुम भगवत भाव बना लोगे तो तुम सब जगह बना लोगे। ये खास बात भगवान ने कह दी, जहाँ तुम्हें संबुद्धि सबसे मुश्किल लगती हो वहाँ पर भी अगर तुम संबुद्धि कर लोगे तो तुम सब जगह संबुद्धि कर सकते हो। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि भैया एक ही परमात्मा तो है, एक ही भगवान तो है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले और पाप आचरण करने वालों के साथ व्यवहार करने में अंतर होता है, अंतर होना चाहिए। मतलब जो श्रेष्ठ आचरण करने वाले हैं और जो पाप आचरण करने वाले हैं उनमें व्यवहार में तो अंतर होता ही है। भाई श्रेष्ठ राजा आएगा तो आप उसको सिंहासन पर बिठाओगे और कोई चपरासी आएगा तो आपको खड़ा रहेगा। तो भगवान कह रहे हैं श्रेष्ठ आचरण करने वाला या खराब आचरण करने वाले दोनों के साथ आप सेम व्यवहार तो नहीं कर सकते, पर दोनों के हित में और दुख के समय सहायता आप दोनों की बराबर करेंगे। आपके हित के समय और सहायता करने के समय आपका बराबर वही भाव रहेगा। अंतःकरण में कोई विषम भाव पक्षपात नहीं होता, उसके अंतःकरण में कोई पक्षपात भी नहीं होता और कोई विषम भाव भी नहीं होता कि भाई ये तो बहुत अच्छा है ये बहुत खराब, ये ऐसा है ये ऐसा है। कोशिश करना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग साधक हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, कि हमारे मन में ज़्यादा विषमता ना रहे। एक को तो हम बहुत पसंद करें और एक को ना पसंद करें, हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारा भगवत भाव भगवत दृष्टि बनेगी तो हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स खत्म होती जाएंगी। हमारा भाव बनता जाएगा कि सब रूप में भगवान है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मतलब कहने का मतलब ये है मुझे जगत से क्या लेना देना, मैं अपना काम करूं, मैं अपना भजन करूं, मैं अपना नाम जप करूं। तो हम देखते हैं, अपने को भी देखते हैं, सबको भी देखते हैं, सबसे पहले तो अपने अंतःकरण को देखना चाहिए कि हमारा दृष्टि हमेशा व्यवहार पर रहती है, हमारी दृष्टि परमार्थ पे नहीं रहती। परमार्थ क्या है? भगवान। और व्यवहार क्या है? कर्म और स्वभाव। तो हम हमेशा लोगों के कर्म और स्वभाव देखते रहते हैं, उससे हमारा मन अप डाउन होता रहता है। अब भगवान कह रहे हैं भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेके नौ प्रकार के प्राणियों का नाम आया है। अब भगवान ने इसमें नौ तरह के प्राणी बताए हैं, सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, संबंधी, साधु आचरण करने वाले, पाप आचरण करने वाले, ऐसे करके नौ तरह के लोग बताए हैं। तो
तो भगवान कह रहे हैं इसमें खास बात क्या है कि सब में संबुद्धि होनी चाहिए। वहाँ संबुद्धि हो जाए तो फिर सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। उन प्राणियों में भाव गुण आचरण आदि की भिन्नता को लेकर उनके साथ वर्ताव करने में विषमता आ जाए तो आप दोषी नहीं हैं, पर उनके भाव आचरण परिस्थिति आदि के अनुसार ही हैं, उनके लिए ही हैं, अपने लिए नहीं, परंतु उन सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है, इस भाव में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और भगवान कह रहे हैं कि कोई कैसे भी चले कैसे भी करे, पर आप अपनी भगवत दृष्टि बनाइए कि है ही भगवान। भगवान की क्या दृष्टि है? सुहृद सर्वभूताना। ऐसी भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी भी जो है वो सुहृद सर्वभूताना होता है। तो गुरु हमसे कहते हैं हम सब लोग कर्मयोगी हैं, तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए, हम सबके सुहृद बने, हम सबका हित चाहें और हित करें भी। हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि हम सबका हित करें और हित चाहें, और अपना भी हित करें और अपना भी हित चाहें। हमारा अपना हित क्या है? हम लोगों के कर्म स्वभाव न देखें, हम भगवत दृष्टि बनाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, हमारी ज़्यादा ज़्यादा अंतर्मुखी दृष्टि रहे, बाहरमुखी दृष्टि ना हो, हर समय लोगों को ना देखते रहे। तभी गुरु कहते हैं बी विद नेचर फॉर सम टाइम। पेड़ पौधे देखो, प्रकृति को देखो, तो इधर टहलने निकल जाओ। उससे क्या होता है, हम हर समय लोगों को देखते रहते हैं। थोड़ी देर मेडिटेट करो, पढ़ो लिखो, अपने साथ बैठो, हर समय लोगों के बीच में रहने से, लोगों को देखने से हमारी दृष्टि पूरी भावमुखी हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं जिसकी श्रेष्ठ आचरण करने वालों और निकृष्ट आचरण करने वालों में भी संबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। निकृष्ट आचरण करने वालों में भी और अच्छे आचरण करने वालों में भी जिसकी संबुद्धि हो जाएगी, उसकी सब जगह संबुद्धि हो जाएगी। कारण कि संसार में आचरणों की ही मुख्यता है, आचरणों का ही असर पड़ता है, आचरणों से ही मनुष्य की परीक्षा होती है और आचरण से ही श्रद्धा अश्रद्धा होती है। भगवान कह रहे हैं मनुष्य का आचरण ही देखा जाता है, उसी से उसकी परीक्षा होती है, वही उसका देखा जाता है। कह रहे हैं भगवान कैसे भी आचरण वाला हो, अगर तुम्हारी संबुद्धि और समदृष्टि बन गई, संभाव बन गया, तो तुम पास हो गए। स्वाभाविक दृष्टि आचरणों पर ही पड़ती है और आचरणों से ही सद्भाव दुर्भाव पैदा होते। अब भगवान जो है इसलिए कह रहे हैं कि संसार में आचरण की ही मुख्यता है, लोग तुम्हारा आचरण देखते हैं और तुम भी लोगों का आचरण देखते हो। इसलिए किसी और का आचरण तो हम नहीं सुधार सकते, पर अपना आचरण तो सुधार सकते। इसलिए श्रेष्ठ आचरण वालों और निकृष्ट आचरण वालों, इन दोनों में समता हो जाएगी तो फिर सब जगह समता हो जाएगी। इन दोनों में भी श्रेष्ठ आचरण वाले पुरुष तो सद्भाव होना सुगम है। भगवान कह रहे हैं अगर उल्टा चलने वालों में और अच्छा चलने वालों में, दोनों में अगर तुम्हारी संबुद्धि हो जाएगी तो सब जगह हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं जो बहुत अच्छे आचरण वाले हैं, ठीक से चलते हैं, उनमें तो सद्भाव हो ही जाता है, पर उल्टा चलने वालों में भी अगर तुम्हारा सद्भाव हो जाए तो भगवान ने कहा इसका अर्थ है कि पाप आचरण करने वालों में भी उसकी संबुद्धि अगर है तो वो श्रेष्ठ। अब हमारे यहाँ दो सेवक हैं, एक से तो कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपना काम चुपचाप करता रहता है। एक जो है पटका पटकी मचाता है, अक्सर छुट्टी लेता है, बीच में चला जाता है, कुछ कुछ बोलता रहता है। अब दोनों में हमारा संभाव हो तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, कहने सुनने में थोड़ी बहुत फर्क हो सकता है, पर अंदर से हमारा सबके प्रति प्रेम का भाव, हित का भाव और संभाव ही होना चाहिए। अब इसमें भगवान बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, संसार में प्रायः दूसरों के आचरणों पे ही दृष्टि रहती है। साधकों का को विचार करना चाहिए कि मेरी दृष्टि अपने भावों पर रहती है, दूसरों के आचरणों पर।
अब हमें क्या विचार करनी चाहिए कि मेरी दृष्टि दूसरों के कर्म स्वभाव पर होती है या अपने भाव पर होती है, मेरा भाव कैसा है। बहुत बढ़िया बात कही है, मैं गीता ही पढ़ रही हूँ, कि हमारी दृष्टि दूसरों के आचरण पर रहनी चाहिए या अपने भाव पर। हमें अपने भाव को चेक करना चाहिए, मेरा भाव कैसा है। दूसरों का आचरण पर दृष्टि रहने से वह दृष्टि बंद हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। कह रहे हैं जब हम दूसरों को के आचरणों को देखते रहते हैं तो हमारा उन्नति होना बंद हो जाता है और अंधेरा आ जाता है हमारे जीवन। जब हम लोगों के हर समय लोगों का आचरण देखते रहते हैं तो हमारी उन्नति होना बंद हो जाता है और हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है। इसलिए दूसरों के आचरण और निकृष्ट आचरण पर दृष्टि न रखकर उनका जो स्वाभाविक स्वरूप है उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं लोगों के कर्म स्वभाव पर दृष्टि मत रखो, जो स्वरूप है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, जिस परमात्मा से हम सब आए, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममेवांचो जीव लोके जीव भूते सनातना, हम सब जिस परमात्मा के अंश हैं, जिससे हम आए हैं, तो हमें उस पर दृष्टि रखनी चाहिए जो असल में हम हैं। क्यों दृष्टि रखनी चाहिए उस पर? कह रहे अगर आप लोगों को के कर्म स्वभाव देखते रहेंगे, भलाई बुराई करते रहेंगे, तो आपका पता नहीं होता रहेगा। और आप भगवत दृष्टि बनाएंगे, तत्व दृष्टि बनाएंगे, तो आपकी उन्नति होती जाएगी। भगवान कह रहे हैं स्वरूप जो का त्यों रहता है, आचरण बदलते रहते। एक तो स्थिर तत्व है, संसार तो बदलने वाला है, आचरण बदलने वाले, पर परमात्मा स्थिर तत्व है। तो अगर हमारी परमात्मा पे दृष्टि है, भगवत दृष्टि है, अब ये भगवत दृष्टि कब बनेगी? जब हमारे अंदर भगवान से प्रेम होगा। भगवत दृष्टि कभी बाहर से नहीं बनती, भगवत दृष्टि हमेशा अंदर से बनती है। पहले हमारा भगवान से प्रेम होना चाहिए, हमारा भगवत भाव होना चाहिए, तभी हम बाहर भगवान देख सकते हैं। अब हमारा ही भगवत भाव नहीं है तो जैसे ही कोई उल्टा चलेगा हमें गुस्सा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा भगवत भाव नहीं है ना, यहाँ हृदय में। यहाँ तो अंदर भगवान बैठे ही नहीं है तो बाहर कैसे देखेंगे। परंतु जिसकी दृष्टि केवल आचरणों पर ही रहती है, उसकी दृष्टि असत पर रहने से असत्य हो जाती है। अब भगवान कह रहे हैं आचरण सबके असत्य है, जिसकी दृष्टि आचरणों पर रहती है उसकी दृष्टि असत हो जाती है। इसमें भी अशुद्ध आचरण पर जिसकी ज़्यादा दृष्टि रहती है उसको तो पता नहीं समझना चाहिए। बोले जिसकी दृष्टि हमेशा अशुद्ध आचरण पर रहती है कि यह ऐसे करती है, यह ऐसी है, यह ऐसी है, यह ऐसी है, भगवान कह रहे हैं उसको तो पता नहीं समझना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं अशुद्ध आचरण करने वाले पापी में भी और समबुद्धि वालों को श्रेष्ठ बताया। अब भगवान कह रहे हैं जो गलत आचरण कर रहे हैं और जो अच्छा आचरण कर रहे हैं, दोनों में जिसकी समबुद्धि है वो ही श्रेष्ठ है। तो हमें एक ऐसी दृष्टि बनानी है कि है ही भगवान, है ही तत्व, लोगों के कर्म स्वभाव नहीं देखने, फिर आगे चलकर सब कुछ नहीं रहता, केवल परमात्मा ही रहता है, उसी को यहाँ सर्वबुद्धि विशिष्यते पद से महिमा गाई गई। अब विशेष बात में भगवान कह रहे हैं कि गीता का योग जो है समता योग है। गीता का योग कौन सा है? ये नहीं कि हम बैठ के यहाँ ध्यान लगाएं, ये भी ध्यान है, भगवान छठे अध्याय में ये भी बताएंगे। और अभी भगवान ये कह रहे हैं कि इस समय जो बता रहे हैं योग कि समत योग उच्यते, सबके लिए समबुद्धि, समत योग उच्यते, सबके लिए समता का भाव रख लेते जाओ, लोगों के कर्म स्वभाव पर दृष्टि ना रख के तत्व पर दृष्टि रखो, ऐसी अपनी नेचर बनाओ। भगवान कह रहे हैं जिसके जीवन में समता आ गई है तो उसको उसके अंदर सारे सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। जिसके अंदर समता आ जाती है उसके अंदर सारे सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। कहते ना ये व्यक्ति कितना धीर गंभीर है, कितना शांत रहता है। क्यों शांत रहता है? वो अंतर्मुखी रहता है, वो भजन करता रहता है, उसकी इंद्रियां सिमटी हुई हैं,
वो फोकस्ड है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है, किसमें? भगवान। अब भगवान आगे कह रहे हैं, समता की प्राप्ति का उपाय क्या है? अब समता में कैसे प्राप्त हो, ये हम लोग अक्सर सत्संग में सुनते हैं, पर फिर से इसको ले लेते हैं एक बार। भगवान कह रहे हैं समता प्राप्त करने का उपाय क्या है, किसी को बुरा न माने, है ना, किसी को बुरा ना माने कि ये बुरा है, किसी का बुरा ना करे, किसी को बुरा ना करे, किसी को बुरा ना समझे, किसी का बुरा ना सोचे, इसका तो सत्यानाश हो जाए, ये तो ऐसे हो जाए, इसने तो मुझे बहुत दुख दिया है, जितना इसने मुझे दुख दिया भगवान इसको भी दुख देना। गुरु क्या कहते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट, दूसरों की बुराई ना देखे, दूसरों का बुरा ना सुने। बोला बुराई सुनने से, जो जिसकी हम बुराई कर रहे हैं सुनने से भी, जो कर रहा है उसके तो पाप बनेंगे ही, सुनने वाला भी उसके 2/3 या 1/3 पाप ले जाता है, सुनने वाला भी, वो तो बेचारा खाली सुन रहा है, सुननी भी नहीं चाहिए बुराई, ना किसी की बुराई सुने और ना बुराई कहे। तो पता है समता लाने के क्या उपाय, हमारे जीवन में समता कैसे आए? समता तो बहुत बड़ा योग है, कितना आसान तरीका बता दिया, ना किसी का बुरा माने, ना वो किसी का बुरा करे, ना किसी का बुरा सोचे, ना किसी की बुराई देखें, ना किसी की बुराई सुने और ना किसी की बुराई कहें। तो कह रहे हैं ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम बुराई रहित हो जाएंगे, और बुराई रहित होते ही हमारे स्वतः स्वाभाविक अच्छाई ही आ जाएगी, क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप, हमारे अंदर अच्छाई आ जाएगी क्योंकि अच्छाई हमारा स्वरूप है। कह रहे हैं अच्छाई लाने की हम वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए इतना हम लोगों ने दान पुण्य करा, इतनी चैरिटी करी, इतनी निष्काम सेवा, यज्ञार्थ सेवाएं चल रही हैं, कितनी अच्छाई कर रहे हैं हम, पर हम सोच सकते हैं कि हम पूर्ण अच्छे हो गए? अच्छाई करने से अच्छाई का अभिमान आ जाता है, क्या आता है कि हम बड़े अच्छे हैं, और पूरी तरह से हम बुराई रहित नहीं होते। अच्छाई का अभिमान ही बुराई की जड़ है। जहां आपने ये कहा कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, यही बुराई की जड़ है। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, दया करना अच्छी बात है, पर अभिमान आ जाना उसका पाप मूल अभिमान। मूल में पाप, पाप क्या है उसका अभिमान करना। तो भगवान कह रहे हैं अच्छाई का अभिमान कर लेते हो, यही सबसे बड़ा पाप है। कह रहे पूर्ण अच्छे हो जाएंगे तो अच्छाई का अभिमान नहीं होगा, फिर अगर आप बुराई रहित हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छाई होगी। अगर हमने किसी की बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं समझेंगे, बुरा जो भी कुछ है सब 6 बातें नहीं करेंगे, तो जब हम बुराई रहित हो गए, अब घंटों आप बैठे रहिए, आप कुछ कोई बात ही नहीं होगी करने की, करेंगे तो ज्ञान की बात करेंगे, ये तो किसी की बात ही नहीं है, सारा बातों का कोटा ख़त्म, किसी की बात ही नहीं करनी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अदर इज हेल। भगवान कह रहे हैं जब आप बुराई का त्याग करते हैं तो अच्छाई बिना उद्योग करे और बिना चाहे स्वतः आ जाती है, कितनी बढ़िया बात है। अब अच्छाई हमारे में आ जाती है तब हम अच्छे हो जाते हैं, और हम अच्छे हो जाते हैं तब हमारे द्वारा स्वाभाविक अच्छाई होने लगती है। कह रहे बुराई का त्याग हो गया है ना, अब हमारे अंदर कोई बुरी बात नहीं है, हम दूसरे की बात नहीं करते, हम केवल भगवत भाव रहता है हमारा, अपने से मतलब है, हम अपना भजन करते हैं, अपनी सेवा करते हैं, सबके साथ प्रेम से रहते हैं, हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे आचरण सब भगवत में है, हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा भाव रखते हैं, सबको ब्लेस करते हैं और सबके लिए शुद्ध भाव रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर हमारा ऐसा बन जाता है तो हमारा आश्रय भगवान का, हमको आश्रय है, तो सारा जो योगक्षेम है वो भगवान उठाते हैं, और संसार ही हमारे सब ज़रूरतें पूरी करता है। देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ, जब अच्छाई होने लग जाती है
तब सृष्टि के द्वारा स्वाभाविक ही हमारी जीवन निर्वाह होने लगता है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता और दूसरों का आश्रय भी नहीं लेना पड़ता। कह रहे हैं जब आपके अंदर असली अच्छाई आ जाएगी, जब बुराई का त्याग कर देंगे, तो आपको जीवन निर्वाह के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही आपका जीवन निर्वाह होगा, प्रकृति करेगी, भगवान कराएंगे। ऐसी अवस्था में हम संसार के आश्रय से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं और संसार का आश्रय सर्वथा मुक्त होते ही हमें स्वतः शुद्ध समता प्राप्त हो जाती है, हम कृतकृत हो जाते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो मेन बात क्या समझने की है कि दूसरा नहीं देखना है, अदर इज हेल, हमारी भगवत दृष्टि रहे, तत्दृष्टि रहे, बुराई का त्याग करने से अच्छाई स्वतः ही आ जाती है, दूसरे की बात ही नहीं करनी है। जैसे अक्सर क्या होता है, थोड़ी ओल्ड एज हो जाती है तो घर में बहू बेटे आ जाते हैं, अब बहू का आचरण अलग है, वो अलग घर से आई है, आपके बेटे का आचरण अलग है, आपकी बेटी का आचरण अलग है, अब बहू आई उसका आचरण अलग है, तो पति पत्नी मिलकर क्या करेंगे, बहू की बुराई करेंगे, ऐसे बच्चों को पालती है, ऐसे करती है, ऐसा खाना बनाती है, ये करती है, वो करती है, तो कह रहे यही सब करोगे तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा डाउनफॉल हो जाएगा। तो जो बात तुम्हें समझ में ना आए प्रेम से समझा दो, नहीं समझे तो अपनी दृष्टि हटा लो, अपना काम करो। अब भगवान कह रहे हैं समता का विभाग अलग है और विषमता का विभाग अलग है। परमात्म तत्व जो है वो सम है और संसार जो है वो विषम है ना, संसार तो विषम है और परमात्म तत्व जो है वो सम है। कर्मयोगी विषमता के व्यवहार में भी सम्बुद्धि रहती है। अब जो कर्मयोगी है वो कितने भी लोग चारों तरफ उल्टे सीधे कैसे भी हों, उसकी सम्बुद्धि रहती है, उसका भाव यही रहता है कि जैसे उड़िया बाबा जी के आश्रम में किसी ने शिकायत करी कि रसोईया जो है वो देसी घी का कनस्तर जो है उधर पीछे दीवार से चोरी करा रहा है, किसी दूसरे को दे रहा है, तो उड़े बाबा जी ने कहा मेरा क्या। अब भैया आप देखिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, घर में रसोई में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कितना टोकेंगे, कितना देखेंगे। तो इसलिए गुरु कहते हैं अवॉइड, मैत्री करना हो देता उपेक्षा, इग्नोर करो, ज़्यादा चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। भगवान कह रहे हैं बर्ताव करने में तो कभी एकता नहीं हो सकती, पर जो समता वाला है उसकी मिट्टी ढेले पत्थर स्वर्ण सुहृद मैरी वैरी मित्र उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी सम्बुद्धि रहती है, कारण कि उसको एक परमात्म तत्व के सिवाय कुछ नहीं है ऐसा अनुभव हो गया है, उसकी सब में सम्बुद्धि हो रहती है क्योंकि उसको अनुभव हो गया है कि है ही भगवान। जैसे अम्मा जी को हो गया था, वो कहते थे मैं तो यही रटती रहती थी, हे ही भगवान 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 हे ही भगवान। और अंदर में हमारा भगवान से प्रेम होता जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। पर भगवान जो है सम और शांत है और संसार विषम है, हमेशा हमारी संसार पर लोगों पर दृष्टि होगी तो हम भी विषम रहेंगे, और अगर हमारी भगवान पर दृष्टि, तभी गुरु कहते हैं माला लेके बैठो, हाथ में माला रखो, काउंटर रखो हाथ में, सुमिरनी रखो, अपना भजन करो, भजन करोगे तो तुम्हारी भजन में दृष्टि भाव रहेगा, नहीं तो लोगों को ही देखते रहोगे, लोगों को टोकते रहोगे, चेक करते रहोगे। जैसे एक कुत्ते की मूर्ति है और एक विष्णु भगवान की मूर्ति है, तो कुत्ते के भी उतने ही दाम और विष्णु भगवान के भी उतने ही दाम। तो बोले भैया उस सुनार की तो सोने पे दृष्टि है ना, उसकी कुत्ते पे और विष्णु भगवान पे थोड़ी ना है। तो ऐसे ही हमारी भी दृष्टि भगवान पर हो, कर्म स्वभाव पर ना हो। जैसे हम जब नहाते हैं तो साबुन लगाते हैं तो हमारे सब ऐसे फपोले फपोले से बन जाते हैं,
तो हमें नहीं लगता कि परेशानी नहीं लगती, क्यों, अभी हम नहाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बोले ऐसे ही लोगों के अनेक तरह के कर्म स्वभाव हैं, अनेक तरह के आचरण हैं, चिल्लाना, डांटना, कुछ कुछ कहना, अपना मूड खराब करना, हर समय कुछ कुछ बोलते रहना। बोले इससे क्या होगा, आपका पतन होगा, आपका एनर्जी ड्रेन होगा, आपकी भगवत दृष्टि तत्व दृष्टि कभी नहीं बनेगी। इसलिए अपना भजन करो, अंतर्मुखी रहो, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी, और हमारे ऐसी नेचर बनाए कि हे ही भगवान और दूसरा हम ना देखें। अदर इज हेल, दादा भगवान ने तो पहले ही बता दिया अदर इज हेल, और कब से हम सत्संग कर रहे हैं, कब से गुरुजनों ने बता दिया कि कर्म स्वभाव मत देखो, भगवान भगवत दृष्टि बनाओ। वही भगवान गीता में कह रहे हैं कि आचरण पे दृष्टि मत करो, तत्व दृष्टि बनाओ। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्रिया।